हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज जॉन गॉल्सवर्थी का एक प्ले और देखेंगे जिसका नाम है द पिजन, और ये पब्लिश कब हुआ था? 1912 में। फ्रेंड्स, पहले इसका कैरेक्टर देखते हैं, फिर स्टोरी समझेंगे। फ्रेंड्स, स्टोरी इसमें शेल्टर होम्स के बारे में बताया गया है कि कुछ लोग कैसे एक आदमी को, मतलब उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको दिखाया गया है। और जो इसमें रिफॉर्मर्स बताए गए हैं, मतलब वो भी उनको सुधार नहीं पाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए पहले कैरेक्टर देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। फ्रेंड्स, द पिजन रिटन इन 1912, 1912 में पब्लिश हुआ था, या फैंटेसी इन थ्री एक्ट्स। फ्रेंड्स, फैंटेसी किसे कहते हैं? फैंटेसी मीन्स ऐसा, ऐसी दुनिया जहां पे मतलब आदमी अपने अपने आप में खोया रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है, मतलब एक अलग जोन में रहकर जब बात करता है कोई। फैंटेसी एक काल्पनिक दुनिया के बारे में कि मैं जैसे सोच रहा हूँ अच्छा हो या बुरा हो, अच्छा ही अपने हिसाब से अच्छा ही मानेगा। फैंटेसी एक काल्पनिक, इसको एक काल्पनिक वर्ड है, काल्पनिक कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वो अच्छा है, वही इसके बारे में आगे बताते हैं। इसमें कैरेक्टर्स फ्रेंड्स इसमें कौन से? क्रिस्टोफर वेलबिन इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ही इज एन आर्टिस्ट, ही लिव्स विद हिज डॉटर एन, उसकी लड़की का नाम है एन, अपनी बेटी के साथ कहां पर? शेल्टर होम्स में रहता है फ्रेंड्स। एंड इसमें और कैरेक्टर कौन है? मिसेस मीगन, अ फ्लावर सेलर, फेरेंड, अ फ्रेंच एंटरप्रेटर। फ्रेंड्स, एंटरप्रेटर किसे कहते हैं? जो मतलब फ्रेंच को दूसरे लैंग्वेज में समझाता हो, मतलब फ्रेंच एंटरप्रेटर, फ्रेंच को मतलब कहीं जिसको फ्रेंच नहीं आता हो उसको कहीं एक्सप्लेन करके बताता हो। टिमसन इज एन ओल्ड कैब ड्राइवर। फ्रेंड्स, एक कैरेक्टर है टिमसन एंड ओल्ड कैब ड्राइवर। फ्रेंड्स, यही तीनों लोग हैं जो क्रिस्टोफर वेलबिन का क्या करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। मतलब इतना इसमें पिजन, फ्रेंड्स इसका नाम पिजन क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें द क्रिस्टोफर वेलबिन का जो क्वालिटी है, हिज क्वालिटी इज लाइक पिजन, मतलब डरपोक टाइप का, बहुत सीधा साधा, कि कोई कुछ बोल दे उसका वो काउंटर आंसर नहीं करता, उसको काउंटर नहीं करता है। फ्रेंड्स, इसीलिए इसमें पिजन लाइक क्वालिटी किसके बारे में बताया गया है? क्रिस्टोफर माल। और फ्रेंड्स, ये तीनों लोग इसका क्या करते हैं, इसको पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। वो इतना सीधा साधा था कि उससे कभी पैसा लेना या मतलब उसके पास जो कुछ रहता था ये लोग ले लेते थे, और वो बेचारा इतना सीधा था कि वो दे देता था बिना सोचे समझे। उसकी बेटी आयन सी इज प्रैक्टिकल, उसको प्रैक्टिकल दिखाया गया है, लेकिन ये बहुत ही क्रिस्टोफर वेलबिन को दिखाया गया कि ये बहुत ही पिजन टाइप का व्यक्ति था। फ्रेंड्स, इसमें और जो बाकी कैरेक्टर है, इसमें रिफॉर्मर्स को दिखाया गया है, जो इसमें पहला कैनन बर्टली इज अ क्लर्जीमैन, प्रोफेसर कैलवे, सर थॉमस हॉक्सटन, ये फ्रेंड्स ये है रिफॉर्मर्स है। रिफॉर्मर्स क्या करते हैं कि जब इसका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है क्रिस्टोफर वेलबिन का, तो ये क्या करते हैं, इनको सुधारने के प्रयास करते हैं, ये नालायक लोग को जो मतलब वेलबिन का एक्सप्लॉइट किए हैं, इनको सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो इसमें दिखाया गया है शेल्टर होम्स को, जो रिफॉर्मर्स है ये दे आर नॉट प्रैक्टिकल। वो उनको लगता है कि मतलब जैसे मैं काम कर रहा हूं उसमें वो ठीक है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि इनका व्यवहारिक को उनको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन फ्रेंड्स ए दे आर नॉट प्रैक्टिकल। इसमें इनके ह्यूमैनिटी की कमी है, इन लोग में वो प्रैक्टिकल नहीं है, उनमें मतलब जो होना चाहिए कि दूसरा आदमी सफर कर रहा है उसको क्या प्रॉब्लम है उसको जाने देना, मतलब वो लोग सोचते हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, उसका फायदा हो ना हो, इससे उनसे मतलब नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आगे क्या होता है, क्रिस्टोफर वेलबिन बर्बाद हो जाता है, और इनका जो प्रयास था कि इनको सुधारने का, किसको सुधार रहे थे, ये तीनों जो नालायक लोग थे जो इसका एक्सप्लॉयटेशन किए थे, एक्सप्लॉयटेशन कौन कौन किया था? मिसेस मीगन अ फ्लावर सेलर थी, फ्रेंड अ फ्रेंच इंटरप्रेटर, और एक एंड ओल्ड कैब ड्राइवर। फ्रेंड्स, स्टोरी में यही है। और फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है, इसमें है कि आइल एंड फेरिसीज, जो कि पब्लिश हुआ था 1904 में, फ्रेंड्स 1904 में, दिस इज अ नॉवेल, ये नॉवेल है,
इसी को कन्वर्ट करके फ्रेंड्स इसको प्ले के रूप में कन्वर्ट किए थे द पिजन, इसका नाम दिए थे पिजन। फ्रेंड्स जॉन गॉल्सवर्थी मतलब उनका एक टैलेंट था, अपने नॉवेल को वो प्ले में कन्वर्ट कर देते थे बहुत ही बहुत मतलब आसानी से। उनका एक क्वालिटी था कि नॉवेल्स को प्ले में कन्वर्ट करने की एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए इसमें फ्रेंड्स दो कोटेशन लेंगे, कोटेशन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग पहले कैरेक्टर समझ लीजिए। स्टोरी फ्रेंड्स यही है इसमें कि ब्रीफ में अगर देखेंगे कि मतलब ये तीन लोग हैं जो इसका क्रिस्टोफर बेल्विन का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो अपने बेटी के साथ रहे, ये तीनों लोग जो कैनन बर्टली, प्रोफेसर कैलवे, सर थॉमस हॉक्सटन, फ्रेंड्स ये ट्राई करते हैं किस लिए कि इनका इन लोगों को सुधारा जाए, लेकिन दे आर वेरी मतलब बहुत ही बदमाश लोग हैं, ये नहीं सुधार सकते हैं। दे आर इनकॉरिजिबल्स फ्रेंड्स। इनकॉरिजिबल्स मीन्स क्या होता है? इनकॉरिजिबल्स, इनकॉरिजिबल्स फ्रेंड्स इसको जिसको ना सुधारा जा सके उसको क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल्स। फ्रेंड्स देख लीजिए आगे इसका कोटेशन लेते हैं, फ्रेंड्स कोटेशन में क्या है उसमें दिखाया, उसमें कोटेशन में है कि सबसे ज्यादा करेज किससे मिलता है, कि कोई आदमी इनकरेज करे, कोई आदमी आपके बारे में अच्छा बोले तब मिलता है, या कोई आपको व्यंग करे तब आपको मतलब करेज मिलता है। फ्रेंड्स वो कोटेशन पहले देखेंगे, फ्रेंड्स इसमें दिखाया गया है कि मतलब आदमी को कोई चीज उतना इनकरेज नहीं करता जितना कि आदमी को बेंग बोल दिया जाए, कोई मतलब अच्छा है तो भी अगर बेंग बोल दिया जाता है तो अपने आप को सोचता है कि यार क्या गलती है, इसमें और सुधार की जरूरत है। फ्रेंड्स यही इसमें दिया है, देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज, कोई भी चीज नहीं है जो ज्यादा आपको उत्साहित करे देन की आयरनी ऑफ थिंग्स, या चीजों को अगर व्यंगात्मक रूप से बोला जाता है वो ज्यादा आदमी को इनकरेज करता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। फ्रेंड्स इसमें स्टोरी आप लोग होप करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।